विगत दिनों में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाके में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाकर इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को भी गति देने का तथा मूलभूत सुविधा से उनसे लाभान्वित करने के लिए लगातार कैंप स्थापना की जा रही है। उस सिलसिला में आज जिला बीजापुर एवं सुकमा की सीमावर्ती टेकलगुड़म क्षेत्र में एक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए जिला सुकमा एवं बीजापुर से संयुक्त रूप से CRPF कोबरा STF DRG के बल रवाना किए गए थे। कैंप स्थापना का कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान माओवादियों का बैटल नंबर 1 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारे कैंप सुरक्षा के लिए लाए हुए थे बल के ऊपर हमला किए गए थे, उसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों द्वारा काफ़ी मजबूती से रिटेलिएशन की गए थे। लगभग 3-4 घंटे चली इस मुठभेड़ में माओवादियों को भी काफ़ी बड़ी क्षति पहुँचाने का पूरा संभावना है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा कोबरा का 2 जवान एवं 150 बटालियन CRPF के एक जवान, कुल 3 जवान इस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान घायल हुआ, सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके इधर जैरलपुर में एवं रायपुर में ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनका स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है और नक्सली के कम से कम 6 मौतों का भी इस मुठभेड़ में मारा जाने का हमारे पास जो वीडियो विजुअल्स पर प्राप्त हुआ है और आसपास और सर्चिंग जारी है। सर, कैंपिंग या हमसे कोई नहीं? देखिए, जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहे हैं, जैसा महोदय का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज के डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसा महोदय का टेकलगुड़म हो या अन्य जो भी उनके स्ट्रांग इलाका है, उनमें हमारा इरादा है, मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा। उसमें बड़े हमको काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में हमारे जवान का भी बहुत दूर से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ। क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का, हमकी पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा, क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा। देखिए, आज नहीं तो कल उन इलाके में भी हमको प्रवेश करना पड़ेगा, उस इलाके को भी हम अपना कब्जा में लेना पड़ेगा, ताकि एक क्षेत्र की जनता को हम माओवादियों के कब्जे में होने नहीं देगा। क्योंकि विगत लगभग 30-40 वर्षों से उस इलाके को माओवादी ने अपना एक मुख्यालय के रूप में बनाकर रखा था और अपना कब्जा वाला क्षेत्र मानकर, अपना एक स्ट्रांग बेस एरिया मानकर चल रहा है। हम उसको आने वाला समय उसको उस परिस्थिति को नहीं होने देगा। हम उन इलाकों में भी शासन के जो प्रशासन के जो जो कब्जा में ले आकर देगा, ताकि उस इलाके के जनता को भी मतलब एक अधिकार है जो मुख्यधारा में जुड़कर अपना एक सामान्य जीवन जीने का, उस अधिकार को हम दिलाकर ही दे रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।